एक मिनट भैया, भारत माता की। सुबह 10 बजे से हम खिलचीपुर की पवित्र बॉर्डर से चालू हुए हैं और लगभग 11 बज गए होंगे। कितने बजे? 11 बजे रात को इतना बड़ा पचोर में जनसमूह आप लोगों को, हमें 6 बजे आना था तो 6 से 7, 8, 9, 10 और 11 5 घंटे लेट, उसके बावजूद आपका इतना स्वागत सत्कार और आपका जो ऋण है इसको मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और खूब आप सबकी इस भावना की पूरे जीवन मेरे अंतर मन में सम्मान रहेगा। साथियों, इतनी रात को इतनी बड़ी तादाद, मैसेज क्या है या ये दिखाता क्या है कि पचोर के परिवार के लोग इतनी रात को सड़क पे हैं 11 बजे, मतलब हवा का रुख बदलने वाला है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, या जन आक्रोश यात्रा आई नहीं आई? अरे जन आक्रोश यात्रा आई कि नहीं आई? तो जन आशीर्वाद यात्रा इससे पहले आई थी कि नहीं आई थी? तो जन आशीर्वाद, जन आशीर्वाद। ये देश हम सबका है, ये देश प्रेम का है, प्यार का है, मोहब्बत का है। ये देश भगवान राम कृष्ण और पैगम्बर गुरु नानक देव जी का है। इस देश में सबने एक ही बात, एक ही भावना सिखाई कि इस देश में सबके लिए जगह है। जब जन आशीर्वाद निकल रही थी तो मैं मानता हूं कि हमारे परिवार के लोग, इसी देश के लोग, इसी देश के नागरिक सब, कोई भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, कोई आम आदमी में हो सकता है, कोई कांग्रेस में हो सकता है, पर सब देश के नागरिक के परिवार है, देशभक्त है। पर कुछ सवाल देश के सामने है। देश में पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में सरकार है, पिछले 18 साल से शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री है। 18 साल एक मुख्यमंत्री के पास जो था सब कुछ दे दिया। 18 साल में कम समय नहीं होता, बहुत बड़ा बहुत लंबा समय होता है, बहुत बड़ा और बहुत लंबा समय होता है। मैं मानता हूं कि 18 साल में 1 करोड़ नए बच्चे बेरोजगार हैं, तो फिर जन आशीर्वाद होना चाहिए कि जन आक्रोश होना चाहिए? इस प्रदेश में 2 लाख पचोर में, अपने नरसिंहपुर में, नरसिंहगढ़ में कितने वोटर है? टोटल 2,20,000 वोट हैं। पूरे प्रदेश में 2,10,000 3 साल में बहने गायब हो गई, कहां गई पता ही नहीं। यह आरोप हमारा नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़ों में नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश को यह तमंगा दिया है। इसका जन आक्रोश होना चाहिए कि जन आशीर्वाद होना चाहिए? साथियों, सबसे बड़ा प्रदेश हमारा जो किसानों की आत्महत्या का प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश हमारा जो किसान कर्जदार सबसे ज्यादा है, इस पर जन आक्रोश होना चाहिए कि जन आशीर्वाद होना चाहिए? आप देखो, 4 लाख करोड़ का कर्ज है प्रदेश में, 4 लाख करोड़। ये आप जो यहाँ खड़े हैं सब पे 53,000 का कर्ज, जो आप यहाँ पचोर की धरती पे परिवार के लोग घरों में हैं सब पे 53,000 का कर्ज। शिवराज जी ने ऐसा प्रदेश बनाया कि एक इंसान दूसरे इंसान पर पिशाब करता है, एक आदिवासी पर दूसरा एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिशाब करता है। क्या इसके लिए जन आक्रोश होना चाहिए कि जन आशीर्वाद? साथियों, हम विपक्ष के हैं, देशभक्त हैं, हमने 20 साल विपक्ष में रहकर प्रदेश की सेवा करने की कोशिश की। राजनीति में जो जीता वो सिकंदर, 3 बार मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान, चुन के बने प्रदेश ने, जनता ने उनके विधायक बनाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, वो सर्वधारी था। इस बार शिवराज सिंह चौहान लूट की सरकार के मुख्यमंत्री बने, चुन के नहीं बने, लूट की सरकार के मुख्यमंत्री बने। साथियों, एक प्रदेश में विधायक 50-50 करोड़ में बिकते हैं, इसके लिए जन आक्रोश होना चाहिए कि जन आशीर्वाद? आपने कभी सुना, एक मिनट थोड़ी जगह दो यार, थोड़े पीछे हो जाओ सर। आपने कभी सुना कि 1 लाख में कितनी 500 की कितनी गड्डी होती है?
दो तो एक करोड़ में कितनी होती है, दो करोड़ में कितनी होती है, पांच करोड़ में कितनी होती है, दस करोड़ में कितनी होती है, बीस करोड़ में कितनी होती है, चालीस करोड़ में कितनी होती है, जैसे पचास करोड़ में पांच पांच सौ की कितनी गड्डियां होती है, दस हजार, एक पूरा कमरा भरा जाए फिर भी तीन चार टोपले बाहर रखने पड़े। इतने में विधायक खरीदे और बेचे गए, क्या ऐसा प्रदेश हमें बनाना था? आप इसके लिए जन आक्रोश होना चाहिए कि जन आशीर्वाद। अब देखो हमारे यहाँ 8 करोड़ जनसंख्या है, यानी 4 करोड़ बहने, शिवराज जी कहते हैं मैं 1 करोड़ बहनों को लाडली बहना का 1000 रुपया दूंगा, तो फिर 3 करोड़ बहनों से क्या दुश्मनी है आपकी? 4 करोड़ को क्यों नहीं देना चाहते हो? और कब दोगे? जब जाती हुई सरकार है, जब जाने चला चली की बेला है, 18 साल में बहनों की याद आई। मैं आज देख रहा था उनका एक वीडियो शिवराज जी का, वो कहने लगे बहनों मैं मुख्यमंत्री बना, मेरा जब सार्थक होगा बनना, जब मेरी बहनों के लिए मैं कुछ कर गुजरू, तो बहनों के लिए 10 तारीख को एक क्लिक से 1000 रुपया आपके खाते में आएगा और दूसरे ही दिन 3000 का बिल घर पे आएगा। राखी सुखी नहीं बनने देगा तुम्हारा भैया, 250 रुपए, 250 रुपए, 20 करोड़ का पंडाल लगाया और 250 रुपए बहनों के खाते में मिठाई के भेजे। पचोर में ऐसी कोई दुकान है जिसमें 1 किलो मिठाई 250 रुपए की आती है? शक्कर की मिठाई आती होगी, लेटू शक्कर की, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? तो हमारा मुख्यमंत्री, जब मैं नया नया विधायक बना तो शिवराज जी एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री था, तो मैं देखता था कि यार एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता है तो बातें कैसी थी। मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, किसान मेरा भगवान है, किसान का मैं पुत्र हूँ, किसान के लिए मैं कुछ कर गुजरू तब मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक है। मुझे भी अच्छा लगता था कि यार दुबला पतला एक सरे शरीर का आदमी किसानों के लिए कुछ करना चाहता है, आइडियल थे शिवराज जी मेरे। पर धीरे 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 जब मैंने उनसे पूछा 10 साल बाद कि मुख्यमंत्री जी अब किसानों की आय दुगनी हुई कि तिगनी हुई, कितनी हुई बताओ, तो कहने लगे हमने ऐसी कोई बात कभी दुगनी की और तिगनी की लिखित में मौखिक नहीं, 10 बार पूछा, 10 बार एक जवाब। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ शिवराज जी से, यही बात उन्होंने नहीं कही, शेरपुर में 5 साल पहले 2018 में इसी समय प्रधानमंत्री से भी किलवाई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जब गेहूं के दाम थे 1920 रुपया, आज 2140 रुपया है, 200 रुपये बढ़ने को शिवराज जी डबल इनकम कहते हैं, मतलब टोटल आंखों में धूल झोंकने की बात सही है कि गलत? कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा रविवार को खिलचीपुर, सारंगपुर और राजगढ़ जिले में पहुंची और इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने भाजपा सरकार के खिलाफ आलोचना की और शिवराज सिंह चौहान की सरकार के इंजन को खराब घोषित किया और कहा कि अब कमलनाथ के इंजन के साथ ही बुलेट ट्रेन चलेगी। चुनाव के बाद में हमें यही देखने को मिलेगा कि जनता किस पार्टी के साथ जाना पसंद करती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव निकट आ रहे हैं और इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। इन दोनों पार्टियों की सियासत अब ट्रेन के इंजन पर बदल गई है। एक ओर भाजपा अपनी सरकार को डबल इंजन सरकार कह रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की राजगढ़ में जन आक्रोश यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उनका इंजन अब खराब हो गया है और अब कमलनाथ के इंजन के साथ ही बुलेट ट्रेन चलेगी। हालांकि ये विधानसभा के चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की जनता किसकी ट्रेन के इंजन के साथ जाना पसंद करेंगी, लेकिन वर्तमान में यह दोनों पार्टियां अपनी राजनीति को इंजन के तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। जन आक्रोश यात्रा में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं खिलचीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह सहित कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।
छापीहेड़ा के बस स्टैंड पर आम सभा को पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंच से भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर अग्निवीर योजना को लेकर भी निशाना साधा। विजयवर्गीय ने कहा था कि मुझे अगर भाजपा कार्यालय में सिक्योरिटी रखनी होगी तो मैं एक अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा, आप भी कर सकते हैं। लोगों को सेना के जवानों पर भरोसा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात कही थी। जनसभा के दौरान उमड़ा भारी जनसैलाब आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ध्यान दें, पॉलिटिकल हब चैनल पर हम हर रोज आपको नवीनतम राजनीतिक घटनाओं, समाचारों और विचारों के साथ पूरी तरह से अपडेट रहते हैं। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया पॉलिटिकल हब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका साथ हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हमें और अच्छे और जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।